नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मेसर्स आरएसबी ट्रांसमिशन आई प्राइवेट लिमिटेड के श्री विनोद सिंह कहते हैं, हम सेल आरएसबी द्वारा प्रदान किए गए ग्राहक समर्थन से बेहद खुश हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पति पत्नी के लिए एक परामर्श कार्यशाला रोशनी सक्षम साथी आयोजित। और प्रेरणा पर कार्यशाला आयोजित। अब समाचार विस्तार से। मेसर्स आरएसबी ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड के श्री विनोद कुमार सिंह ने 22 जुलाई 2019 को राउरकेला स्टील टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में कहा, हम सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सहायता से बेहद खुश हैं। उन्होंने न केवल हमारे द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं, बल्कि हमें चीज़ों को भी दिखाया और हमारे आवश्यकतानुसार संयंत्र द्वारा किए गए उपायों के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा उन्होंने सामग्रियों के कोडकरण की एक अतिरिक्त विशेषता को भी शामिल किया है, जो उत्पादों की गुणवत्ता को स्लैब बनाने से लेकर उत्पादों के अंतिम प्रेषण तक सुनिश्चित करता है। श्री सिंह आरएसपी के सम्मानित ग्राहकों में से एक हैं, जो एक दिन पहले आयोजित स्टील प्लांट के प्लेट मिल प्लेट्स के ग्राहक मीट में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि देश के कुल 4 क्षेत्रों से 16 संगठनों से संबंधित 25 ग्राहक सेल केंद्रीय विपणन संगठन सीएमओ के अधिकारियों के साथ राउरकेला में आयोजित ग्राहक मीट में शामिल हुए थे। ग्राहक मीट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था और इससे हमें आवश्यक ज्ञान मिला कि मिल कैसे संचालित होती है और ऑर्डर कैसे प्रवाहित होता है। यह हमारे दृष्टिकोण में अधिक व्यावसायिकता लाने में मदद करेगा। आरएसपी के न्यू प्लेट मिल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि मिल में बहुत अधिक क्षमता है और यह निश्चित रूप से हमारी बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए अपनी निर्धारित क्षमता तक पहुंच सकती है। उन्होंने शहर की हरियाली और स्वच्छता के लिए स्टील टाउनशिप की भी सराहना की। उल्लेखनीय है कि ग्राहकों ने मीट के दौरान आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज और आरएसपी के सीएमओ के अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्लेट रोलिंग की बारीकियों को जानने के लिए न्यू प्लेट मिल का भी दौरा किया। आइए देखते हैं साक्षात्कार की कुछ झलकियां। सो व्हाट आर योर फर्दर एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विस और लॉजिस्टिक्स ऑफ आरएसपी? दिस वाज द मेन एजेंडा टुडे। इन फैक्ट ऑल द कस्टमर हैज रेज्ड द वॉइस अबाउट द क्वालिटी। मोर ओवर दिस कंप्लेन फॉर सरफेस फिनिश वी हैव रेज्ड एंड वी आर वेरी मच हैप्पी व्हेन वी आर विजिटेड टुडे दे हैव टेकन द करेक्टिव एक्शंस। They have made the corrective action and in fact they have shown the things also and explained each and everything to us. So this is the things, your problem, and this is the corrective action we have taken. And moreover, they have introduced one new system for basically EME customers, means construction and mining equipments. So they are just giving a codification of EME grades when the requirement of customer will be taken care from the slab making itself. Slab making itself and till the final product dispatch. So this is a additional feature they have added, which is going to take care of the customer product. And that's why its customer observations are really essential. Yeah. And I told you very earlier also, this moment we are waiting since 4 to 5 years. You can say 2014 this has been started, and 2019 we are meeting with all the team members to understand each and every function. How to deliver the material, where the quality complaint can be lost, it is like that. Sure, that's fine. So our steel city is known for its greenery and scenic beauty. So how did you find the steel city and our hospitality? It was an experience when I came to 2015. Sure. If you can see, there is a production office. In front of this, there was a big garbage unit. And today we can see it has been converted into the beautiful park. Transformation, yeah. Yeah. So this is a very good initiative,
And it is now, since this is the national agenda as right, present. Right, sir. So everyone, where you can see the people are inspiring to everyone to plant the trees, everything. So we have seen it is already there. It is already there, and people are more responsible about the environment, and result we can see the freshness in air. 26 जुलाई को सिविक सेंटर में जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के जीवन साथियों के लिए एक परामर्श कार्यशाला रोशनी सक्षम साथी आयोजित की गई। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी के महापात्र ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उप महाप्रबंधक कार्मिक नॉन वर्क श्रीमती विजया मिश्रा सम्मानित अतिथि थी। कुल 206 पति पत्नियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए श्री महापात्र ने जीवन साथियों को उनके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से आरएसपी में कार्यरत उनके घर वाले आरएसपी को प्रगति पथ के पर ले जाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाए। उन्होंने उपस्थित सभी से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आरएसपी द्वारा उठाए गए अनेकों कल्याणकारी योजनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने का निवेदन किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती मिश्रा ने संक्रमण काल को सुचारू और शांतिपूर्ण बनाने पति पत्नी के अपने सहयोग की मदद करने के लिए आग्रह किया। इस सत्र में सहायक महाप्रबंधक कार्मिक WNC श्री एस बड़पंडा द्वारा लिए गए सेवानिवृत्त उपरांत जीवन के एक नए चरण में सुचारू रूप से संक्रमण के लिए आवश्यक मानसिकता और उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री GS दास द्वारा लिए गए वित्तीय सुरक्षा उपायों के विभिन्न पहलू जैसे विषय शामिल थे। सार्थक जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, कल्याण और समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने वाला सत्र आर्ट ऑफ लिविंग की वरिष्ठ फैकल्टी सुश्री बलविंदर कौर द्वारा लिया गया। कार्यशाला का संचालन सहायक महाप्रबंधक कार्मिक WNC श्री एस बड़पंडा द्वारा किया गया। गौरतलब है कि अगले 6 महीने में सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारियों के जीवन साथी को कवर करते हुए प्रत्येक 6 महीने में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। HRD सेंटर में 26 एवं 27 जुलाई को प्रेरणा पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में प्लांट के विभिन्न यूनिटों से कुल 48 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विशेषकर प्रभावी योजना आयोजन संचार और निगरानी पर प्रकाश डाला गया, जो कार्मिकों को खुशी के साथ कार्य करने में सहयोग करता है। कम श्रम शक्ति के साथ कार्य करने के लिए अवधारणा के पुनरुत्थान एवं भूमिकाओं को बढ़ाने के तरीके और प्रदर्शनों पर सत्र आयोजित किया गया। अभिप्रेरण वातावरण के लिए अभिप्रेरण फिल्म द्वारा सृजनशीलता और सोच विचार पर जोर दिया गया। सिनर्जी और टीम कार्य विषय में चर्चा, क्रीड़ा और अनुभव का आदान प्रदान भी शामिल था। प्रशिक्षण की अन्य सामग्री में ऑपरेशन और रखरखाव के प्रति सही दृष्टिकोण और मानसिकता, बेहतर संचालन क्षमता और अनुशासन के साथ निरीक्षण को मजबूत बनाना और निरंतर लाभप्रदता शामिल थी। इसके बाद कर्मचारियों की वचनबद्धता और प्रशिक्षण की पुष्टि के लिए सिंडिकेट चर्चा और प्रस्तुतीकरण किया गया। उप प्रबंधक HRD सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।